डालगोना कॉफ़ी, जो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड है, जो एक साउथ कोरियन टॉफी से इंस्पायर्ड कॉफ़ी ड्रिंक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिनल एंड वेलकम टू माय चैनल द किचन काउंटी। तो आज हम बनाएंगे टू टाइप्स ऑफ ड्रिंक, एक डालगोना क्लासिक कॉफ़ी और दूसरा डालगोना चोको। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम बनाएंगे डालगोना क्लासिक कॉफ़ी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून वार्म वाटर। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह विस्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि मेथड तो एक ही है, पर उसका प्रेजेंटेशन और सर्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। कॉफ़ी एकदम लाइट और फ्लफी हो चुकी है, तो ये हमारी व्हिप कॉफ़ी रेडी है। अब सर्व करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या हॉट या कोल्ड मिल्क। मैंने यहाँ पे लिया है हॉट मिल्क, उसको 3/4 तक भर लेते हैं और व्हिप्ड कॉफी को पोर कर लेते हैं। है ना एकदम इजी, पर थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा कॉफी पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं, तो ये हमारी एकदम क्रीमी एंड फ्रोथी डालगोना क्लासिक कॉफी बनके रेडी है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे डालगोना चोको। उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून वार्म वाटर। 2 टेबलस्पून हैवी व्हिपिंग क्रीम लेंगे और उसको अच्छी तरह व्हिस्क कर लेंगे। अब इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। अच्छे से विस्क हो गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, तो अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब सर्व करने के लिए हम ग्लास को चॉकलेट सॉस से डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़े से आइस क्यूब्स डाल लेते हैं, ये ऑप्शनल है, और फिर चिल्ड मिल्क को 3/4 तक पोर कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम कोको व्हिप क्रीम को ऊपर तक पोर कर लेते हैं। थोड़ा सा व्हिप क्रीम और चॉकलेट से उसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा डालगोना चोको रेडी है। लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग और इजी, तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी चैनल द किचन काउंटी को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय।